Gurubhyo Namaha Gurubhyo Namaha धार्यति स धर्म है, जो कुछ अच्छा है उसके लिए मर मिटे वह धर्म है। न हिंदू है, न मुसलमान है, सिख है, ईसाई है कोई, ये तो एक दुर्भाग्य से आप एक ईसाई के घर में पैदा हो गए, ईसाई बन गए। आपकी चॉइस नहीं थी इसमें, आप सिख के घर में पैदा हो गए, सिख बन गए, ऑटोमेटिक बन गए। ये आपकी चॉइस नहीं थी, ये माँ बाप सिख थे आप सिख बन गए, आप माँ बाप हिंदू थे आप हिंदू बन गए, आपकी चॉइस नहीं है। अब जो कुछ करेंगे वो आपकी चॉइस है, इसलिए वह धर्म अपने आप में माँ बाप का दिया हुआ धर्म है। आपका धर्म क्या है वह मैं समझा रहा हूं, आपका धर्म है उस धर्म का पालन करते रहे, उनके प्रति नमन होते रहे, मगर उस धारणा शक्ति को मजबूत बनाए कि मुझे अपनी जिंदगी में एक बहुत ऊंचाई के स्तर पर पहुंचना है, इतना ऊंचा पहुंचना है कि जो गुरु चाहते हैं वैसा कर सकूं, अपने कुटुंब और अपने धर्म का पालन करते हुए श्रेष्ठतम बन सकूं। और यह गुरु पूर्णिमा इसी संदेश के साथ, इसी उच्च कोटि की दीक्षाओं के साथ, इसी प्रकार के प्रयोग के साथ, जहां भौतिकता भी पूर्णता के साथ प्राप्त हो सके, जहां आध्यात्मिकता भी पूर्णता के साथ प्राप्त हो सके, किसी जगह से आप खंडित नहीं हो, कमजोर नहीं हो, जिस क्षेत्र में भी आप खड़े हो एकदम हिमालय की तरह खड़े हो, सिर एकदम ऊंचा उठा हुआ हो, इसलिए महालक्ष्मी प्रयोग है तो वैभवता के साथ पूर्ण हो आप। अगर सहस्राक्ष प्रयोग करवा रहे हो तो उस आध्यात्मिकता में पूर्ण हो, कहीं कोई चुनौती दे और आप रुक गए तो फिर तो मुझे अपने आप में शर्म आ जाएगी वहां, क्योंकि सभी दृष्टियों से आपके अंदर समाहित होता हुआ खून और खून के कतरे कतरे में मैं समाहित होता हुआ आपको दिशा निर्देश देता रहूंगा, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा चैलेंज है। और मुझे अपने आप पर विश्वास, अपने गुरु पर विश्वास, अपने देवताओं पर विश्वास है, अपने भारतवर्ष पर विश्वास है कि जब जब भी भारतवर्ष में अत्याचार बढ़े तो कोई न कोई विकृत तो पैदा हुआ, उस अंधकार को दूर किया, क्योंकि भारतीय इतना लचीलापन है कि वो टूट ही नहीं सकता, झुक सकता है एक परिस्थितियों की मार की वजह से। मुसलमानों के समय में एक हिंदू झुका, बिखरन की आवाज पर आया तब उसमें एकदम से एक तुलसी पैदा हुए, उन्होंने कहा कि राम है, धनुर्धारी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वह अपने आप में वापस तैयार हो सके, अंधकार को दूर कर सके। एक व्यक्ति ने दूर किया और उस व्यक्ति ने जो कुछ लिखा उसकी वजह से लाखों लोग रोटियां कमाने लगे कथाओं कर करके, और अंधकार में देख रहा हूं क्योंकि उसके प्रारंभ हो चुका है, जहां इस प्रकार की झूठ और छल और कपट से भरी हुई पत्रिकाएं प्रकाशित होंगी, जहां नकली मंत्र होंगे, जहां नकली साधनाएं होंगी, कागजों पर तो आप भी चार छह लाइनें लिख दें, आप भी गुलाब के तिलक लगा दें, भगवे कपड़े पहनने से आप साधु नहीं बन जाएंगे, अंदर साधुत्व तो पैदा होगा तब हो पाएगा। इस गुरु पूर्णिमा पर और ये विशेष दीक्षा या विशेष प्रयोग देने के पीछे मेरा मंतव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, वह भी मैं आपको सामने स्पष्ट कर देना मेरा धर्म और कर्तव्य था। और ऐसे कार्य कर सके, शिविर लगा सके, कार्य कर सके, और जो भी जिस प्रकार से भी तन से सहयोग कर सके, कोई जरूरी धन से ही सहयोग हो, मन से कर सके, जो कुछ हमारे पास है वह दे सके। देने की शक्ति बहुत कठिन होती है, जो कह करके मुकर जाते हैं उसे तो गए भी थे लोग संसार में होते ही नहीं, अपने आप में दृढ़ता के साथ खड़े जो होते हैं वे अपने आप में युग पुरुष होते हैं। चारों तरफ राक्षस खड़े थे, कंस जैसे कृष्ण खड़ा था बीच में अकेला, उसने कहा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं अपने आप में पूर्ण समर्थ और श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मेरे पास सुदर्शन चक्र है। वह सुदर्शन चक्र अपने आप में एक प्रयोग था, साधना थी कि चारों तरफ से आपकी रक्षा हो सके, आपको कोई बाण बांका कर ही नहीं सके, सारे देवता आपके सामने गतिशील हो सके, ब्रह्मांड के आप नायक बन सके, वह सुदर्शन चक्र था। हमने उनको प्रतीक बना लिया कि उनके सामने एक चक्र घूम रहा है, हमने एक मंदिर बना लिया कि यहां एक देवता है, वह तो अपने आप में एक साधना है जिसको सुदर्शन साधना कहा जाता है, जो कि चारों तरफ हर क्षण प्रतिपल
आपको पूर्ण रक्षा देता हुआ उस शत्रु को परास्त करने में समर्थ है, आप देखा और समाप्त हुआ, यह स्थिति पैदा कर लेता है। वह सुदर्शन साधना, वह सुदर्शन चक्र, वो आपके आंखों की ज्योति, वह स्फुलिंग, वह चेतना और धड़कता हुआ ज्वालामुखी। हमारे यहां तो इतने उच्च कोटि के प्रयोग हैं और भरी जवानी, ऐसी जवानी जहां आदमी ऐसा आराम, खाना पीना, शौक मौज करने की जो उम्र होती है, वह जवानी मैंने हिमालय के पत्थरों पर रगड़ करके बिताई हुई है। उसने शौक मौज नहीं की, बर्फ पे चला हूं उस समय। जवानी गलाई है तो उस पत्थरों पर रगड़ते हुए, उन हिमालय के शीत बर्फ से जूझते हुए, उन लोगों से जूझते हुए, जंगली जानवर से जूझते हुए, उसे बात कहने की हिम्मत है, क्योंकि मैंने उन लोगों से साधना सीखी है। व्यर्थ में आपके सामने बैठ करके कोई प्रवचन देना, बोलना अपने आप में मैंने नहीं सीखा है। जो कुछ किया है दमखम के साथ किया है, अपने शिष्यों को देना मैं दमखम के साथ दूंगा। दूसरा कोई बना ही नहीं सकता इस तरीके जिस तरह से आपको बनाऊंगा, संभव भी नहीं है, उनमें योग्यता भी नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि शायद आप सोने की कलम से भाग्य पे लिपि लिखा के आए होंगे इस बार की हर बार एकदम से उच्च कोटि की दीक्षाएं दे रहा हूं, आप स्वीकार कर रहे हैं। यह छोटी बात नहीं है, यह अपने आप में अद्वितीय स्थिति है और मुझे विश्वास है कि प्रतिक्षण आपका हो, आपके गुरु का हो, आपके जीवन का हो, आपका परिवार गर्व से सिर ऊंचा उठा के कह सके कि ये मेरा लड़का है, या मेरा पिता है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, गर्व से कह सके। आप 8 फुट 9 फुट 10 फुट के बन करके सबसे ऊंचाई से अलग से दिख सको, आपकी आंखों में एक ज्वालामुखी और प्रेम की करुणा की दया की दृष्टि हो, आप अपने आप में युग पुरुष बन सके। और मैं आप बने या नहीं बने, मैंने प्रारंभ में कहा था कि इस बार आपको मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद आपका पूरा शरीर पूरा हाथ पकड़ करके ऐसा करूंगा, हर हालत में करके जाऊंगा, इसीलिए मैं आया हूं और यही आपको देख करके जाऊंगा ही। मैं एक बार फिर इस अद्वितीय संध्या पर यहां पर निश्चय ही इस मंच से मैं सत्य उच्चारण कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। और 100 से ज्यादा ऋषि और योगी यहां बैठे हुए इस प्रवचन को सुन रहे हैं, तो उनको भी मैं ये समझाना चाहता हूं कि मैं इनको क्यों तैयार कर रहा हूं। वो पूछ रहे हैं आप क्यों तैयार कर रहे हैं, क्यों इतनी गोपनीय दीक्षाएं दे रहे हैं, क्यों गोपनीय प्रयोग करवा रहे हैं, उनको मैं समझा रहा हूं क्यों दे रहा हूं। यह विवेचन इसी उनको समझाने के लिए है और आपको समझाने के लिए कि मैं आपको साधारण मनुष्य नहीं रहने देना चाहता हूं, आपको एक पुरुष बनाना चाहता हूं, आपको पुरुषोत्तम बनाना चाहता हूं, अपने आप में दिव्य ज्योति बनाना चाहता हूं, इसलिए काम कर रहा हूं। मैं अपने हृदय से भी और हृदय की 1000 आंखों से आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप निश्चय अद्वितीय बने, श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठतम बने, ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसे ही कल्याण कामना करता हूं। और मेरा हृदय हर क्षण आपके लिए खुला है, 24 घंटे पूरे बार में कहीं पर भी मैं हूं, आप हैं और मैं हूं, इसके बीच में तीसरा आ ही नहीं सकता। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। बल प्रभु गुरुदेव की, बल प्रभु गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, कुछ छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, आज के आनंद की, हर हर महादेव। अब मैं आपको पहले दीक्षा दे रहा हूं, जो भी गुरु दीक्षा और विशेष दीक्षा ले रहे हैं, उसके बाद मैं दोनों प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। मैं जब भावनाओं में प्रवाह में बह जाता हूं तो समय का ध्यान रहता नहीं, और समय एक तरफ किनारे खड़ा हो जाता है, उसकी हिम्मत होती नहीं कि अब घड़ी में 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो घड़ियां तो बहुत बाद में बनी है, मैं घड़ियों में देख करके बोलता नहीं, बोलता हूं फिर बोल देता हूं, और जब मौन ले लूंगा तो फिर नहीं बोलूंगा। आप जब बोलने लगेंगे तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले आप हाथ जोड़े, ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रीयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्थनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय
विद्याधराज विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते श्रीमन महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाध्यान्म उमा महेश्वराध्यान्म शचि पुरंदराध्यान्म सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः स्वस्तिं तिलकं कृत्वा नमो सुनंताय सहस मूर्तये सहस पादाक्षरूर्भावे सहस नामने पुरुषाय सहस कोटि उदाहरणे नमः। वही मंत्र बोल रहा हूँ, सहस पाद हो, सहस हाथ हो, सहस चरण हो, सहस साक्ष हो, और ऐसा ही आप अपने ललाट प्राज्ञ चक्र जागृत हो। इस मंत्र यही है जो मैं अभी आपको बता रहा था। तत्रादु शिखाबंधनम् मानस्तोकितमहि मानायुष्मानो गोखमानो सुखमास्वा हवामहि तत्रादु यज्ञोपवीतम् धारयामि नमः। यज्ञोपवीतम् परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आशमुद्रं प्रतिमुञ्चतु ब्रह्म यज्ञोपवीतम् ब्रह्मसुतेज यज्ञस्थानं केनोपधीयामि। गले में पहन लीजिए। तत्रादु संकल्पं कुर्यात् दाहिने हाथ में जल लीजिए और संकल्प लीजिए। ओम विष्णु विष्णु भारतवर्ष बलखंडे जम्मूदीप शालिमान साके बोध दावतारे समसे समत्मि को समता 2053 द्वितीय आषाढ़ मास विष्णु आसन के उत्सायाम ताम निवास सप्ताह दक्षिणता दम प्रदक्षिणा से काल सहानम शकर मिस्काम नासिद्यतम लोके वासे भाई राज द्वारे सर्वत्र यशा विजया लाभादि प्राप्तम सभारिस्य सब पुत्र से सब अनुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सब सो समस्त भय राजराह पीड़ा मृत्यु परिहार दुराम आयु आरोग्य धाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए ताम शिष्य तुम धारयामी मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम ताम चिन्ह समर्पयामी ताम आज्ञां परिपालय ताम चित्ते मम चित्ते तुम देह मम देह तुम प्राण मम प्राण ताम पूर्णत्व प्राप्तव्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए। तत्रादु गुरुं प्रार्थयेत गुरु प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु मंत्रम दद्यात् बोलो। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र से था ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। तत्रादु गायत्री मंत्रम श्रेता ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सपूर्णता प्राप्ता आशीर्वादम पठेतः धन्यवाद खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णाम संतम नोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम यस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथोणाम ब्रह्म वाक्स्थान चमनन्ति शत्रुवान अक्षतान प्रस्ते तुम गृहन्ति इंद्रा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयुर्वृद्धि शोभदम शीर्वचमाश्मारोग्यम मावतकमान महीते धान्यम धनम पशुपुत्रलाभम सत्सवत्सरम दीर्घमायुम श्रीस्तदे लक्ष्मी सुपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्तु व्यातम इष्टुम निखाणाम मिखाणा सोडो कम मिखाण। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप गुरु माला से जो सबसे ऊपर मंत्र है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इसकी गुरु माला से नित्य चार माला मंत्र जाप करें धोती और दुपट्टा ओढ़ते हुए, जिससे कि आपके जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त हो सके। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। इसके साथ ही साथ जो गुरु दीक्षा ली है वे शांति से अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्रयोग वहीं करवाऊंगा जहां बैठे हुए हैं, और विशेष दीक्षा लेने वाले एक एक करके आते रहें और अपने स्थान पर जाके बैठ जाएं, और वहीं जहां बैठे होंगे वहीं से ये दोनों प्रयोग मैं करवाऊंगा। चलिए आप विशेष दीक्षा लेने वाले आ जाइए। साधक परिवार की आज के आनंद की हर हर महादेव। जो महालक्ष्मी इंद्र कुबेर कृत महालक्ष्मी प्रयोग संपन्न कर रहे हैं, मेरी आवाज शायद पीछे तक आ रही है, आप हाथ उठाइए जहां तक आवाज आ रही है। ठीक है, पहले मैं महालक्ष्मी प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, आप अपने स्थान पर बैठे रहें और
जो पैकेट है आप खोल दें और जिस प्रकार से मैं प्रयोग संपन्न करवाऊं ये अपने आप में, अगर पद्मासन लगाना आता है तो पद्मासन लगाएं और नहीं तो जैसे आप सीधे बैठे हैं वैसे सीधे बैठे। ओम पूर्व शतावाम दीर्घा, केवल महालक्ष्मी प्रयोग वाले ही प्रयोग करेंगे और दूसरा प्रयोग सहस्राक्ष प्रयोग बाद में करवाऊंगा। ओम पूर्व सदा साम दीर्घा आत्मस्मानम सख दिकलनातम सा चैतन्यम परिपूर्ण आत्मस्मानम नैते भूताक्षवासा पूर्वा महालक्ष्मी साम पूर्वा आवो यामी ताम तुभ्यम संपर्दे तत्रादु संकल्पम कुरियात। हाथ में जल लेके संकल्प करें। ओम विष्णु 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 भारतवर्ष बलखंडी जम्बू दीपी शालिवान सा के बुद्धावतारे संवत्सरे संवत्मे को समता दोजा चक्रमती आषाढ़ मासे आरोग्य सायाम विवासे तम मा इंद्र कुबेर कृत महालक्ष्मी प्रयोग संपन्नतम एतोष्मानम सात विलोचनम भोजूति पूर्णादुत्यम संपादे तत्रादु कुंकुमे न। आपके पास कुंकुम है उस कुंकुम से जो आपके सामने सामग्री पर तिलक लगाइए। ओम दीर्घ हतोस्मानम साक्ति कल्याणताम सा चिदम परिपूर्णात्मानम सात उद्यम कुंकुमेन समर्पयामि नमः कुंकुमदान अष्टगंधम समर्पयामि नमः तत्रादु अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल आपके हाथ में, वे चावल लेके इसके ऊपर चढ़ाइए। ओम अक्षन्नमी मन्नता प्रिया मधुवता अस्तौ खतस्वभानवो विप्रान विष्ठयाम तीजा अक्षतम समर्पयामि नमः सुमाल्यानि सुगंधीनि मालत्यादीनि भो मयातानि पूजार्थम पुष्पाणि समर्पयामि नमः पुष्पम समर्पयामि नमः धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम सातव्यम संपर्दे। यंत्र के ऊपर जो आपने कुमकुम छिड़काए वो कुमकुम से लेके अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। नमो जुन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरूरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारणे नमः तत्रादु साधकम् स उपस्थितम् उपेतव्यम् संपर्दे। अब जो ये प्रयोग कर रहे हैं वे खड़े हो जाए, महालक्ष्मी प्रयोग करने वाले केवल खड़े हो जाए और दोनों हाथों में ये सामग्री आप लेने। नीचे यंत्र हो और यंत्र के ऊपर शंख और रुद्राक्ष दो मुखी ये सब लेकर के जैसे मैं खड़ा हूं और सीधे खड़े हो जाएं मेरी तरफ देखें आप। ओम इंद्र वर्णा हरणि स्वर्ण सलाम सुंदरा हरणि जातवे दो मा भव ताम आव जातवे दो लक्ष्मीराम शारणिम गाम स्वम पुष्पानम अस पूर्वान मध्याम स्नातो दिम सिम देवी पवे श्रीमा देवी जनस्थान कांसो स्मृता मृण प्रकार मार्ग राजुताम तपयंतिम पद्मेस्ताम पद्मवर्णाम तामियों पवेश्यम चंद्रा प्रवासा जस्सा जुरंती स्यम लोके देव जुष्टाम गाराम ताम पद्मनेमे शर्णमयम पदे मायांतराया सभाया लक्ष्मी उभेत माम देव सखा कीर्तिश्च मृणासा प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमर्दिन्दात्मे क्षुत्रवासा मणाजे स्था लक्ष्मी नाशयाम्यहम अभूतिम स्मर्दिन च सर्वा निर्णोदमय गात गंधद्वाराम दुरादर्शा नित पुष्टा कृष्णम ईश्वरीश्वर भूता नाम तामियोपवेश्यम मनसा कामना कूतिम वाचा सत्यम सी मही पशुनाम मनुष्य मई सी सैताम स कर्द मे न प्रदा भूता मई संभव कर्दम सीयम वास मे कुले मातरम पद्मानिम आद्राम पुष्टि सुरनाम हे मालिनी सूर्या हृणमयी लक्ष्मी जात वेदो माव आर्द्रा विक्रणीय स्त्री पिंगलाम पद्मालिनी चंद्रा हृणमय लक्ष्मी जात वेदो माव ताम आव जात वेदो लक्ष्मी प्रभुति गावदास्यो स्वामिन्देयम् पुषानम यशुचि प्रेतो भूत्वा जुहिया दासमिन्वम सूक्तम पंचसंचासी कामा सत्पंचभे। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी मा तान पुरा तो स्वामी सखते कल्याणता मम समस्त सेनाम ताम इंद्र सामेन्द्रो तांद्रुन देवी विशो मर्तो वर्तमानो भवन केन्द्रम देवी विशो मर्तो वर्तमानो वंदा कुबेरा विष्णुनाय महाराजाय ताम पुरुषाय तो स्वामी महालक्ष्मी समुद्र वस्ते देवी स्वांतभ्यम इदमचितम भोजते पूर्णां त्रिवराम प्रसपूर्णां सात्वम अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए ताम पूर्णो दर्वा प्राप्ता है तो साधन तद्यम इदमचरम भोजोति पूर्ण रूपेण मम गृहे मम स्थाने मम मंदिरे मम हृदये ताम पूर्ण महालक्ष्मी आवाहयामि पूर्ण मंत्र सिद्धि पात्र शक्ति पात्र रूपेण सा चिंत्यामि अद्वितम सा तुभ्यम इदमचरम भोजोति पूर्वात्म स्वांतुभ्यम संपर्दे तत्रादु मंत्रम दद्यात। मैं मंत्र बोल रहा हूं आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। बोले ओम श्रीम रीम कुबेर इंद्र महालक्ष्मी आगच्छ रीम श्रीम नमः। ओम श्रीम रीम कुबेर इंद्र महालक्ष्मी आगच्छ रीम श्रीम नमः। ओम श्रीम
रीम कुबेर इंद्र महालक्ष्मी आगच्छ रीम श्रीम नमः तत्रादु पूर्ण आशीर्वादम पठेत। आज मैं ये रहे मैं आशीर्वाद बोल रहा हूं। मां पूर्वा पूर्णाद्रवाम पदस पूर्णाम पुनरापदस मूर्जगुम सत्कृतो श्रींजुवा चास्मानम शक्ति कल्याण तम महालक्ष्मी ताम पूर्णत आज्ञा समुद्र वसने सा विष्णु वल्लभे हेतोस्मान सा पूर्णत मम समस्त शिष्यनाम अमुक गोत्रोत्पन्नो अहम अमुक नाम ना खुद का नाम बोलिए अमुक सर्वाहम ताम पूर्णत महालक्ष्मी सा वैष्णवनाय कुबेरा विष्णु समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता नितम पूर्णता प्राप्तव्यम संपर्क देहे। यंत्र को और दोनों आंखों से लगा करके और रख दे और इसके नियम या केवल जो मंत्र मैंने दिया है वहां बोर्ड पे लिख करके टांग देंगे। इसको आप किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करें। सामने यंत्र रख दे, यंत्र के सामने ये जो गुटिकाएं सब रखें और कमल गट्टे की माला से कमल में ही महालक्ष्मी स्थित रहती है इसलिए कमल गट्टे की माला से केवल 3 माला मंत्र जाप करना है और 14 दिन तक करना है। 3 माला मंत्र जाप तृतीय मालायाम पूर्वे चतुर्दश दिवसी वतान महालक्ष्मी कुबेराय निश्चित प्राप्ते ताम ध्रुवम। 3 माला मंत्र जाप अगर कमल गट्टे की माला से 14 दिन तक कर लेता है साधक तो निश्चय ही यह महालक्ष्मी उसके घर में स्थापित होती ही है ऐसा भगवान विष्णु ने स्वयं और लक्ष्मी ने स्वयं नारद को समझाते हुए कहा है। और यह मेरे जीवन का अनुभव भी है कि यह मंत्र अपने आप में श्रेष्ठतम मंत्र है। बस जो मैं नियम बताए हैं उनका पालन करना तो आवश्यक है। पालन करना यह है कि यह रात्रि में ही साधना हो सकती, दिन को नहीं हो सकती। यह उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही साधना हो सकती है। पीले वस्त्र या पीली साड़ी पहन करके ही साधना हो सकती है। कमल गट्टे की माला से ही मंत्र जाप करने पर साधना हो सकती है। और सामने आप घी का दीपक लगाएं और उसमें गुलाब या किसी प्रकार के इत्र की एक बूंद डाल दें और यदि आपके गुलाब के पुष्प हो तो यंत्र पे चढ़ा दें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और इस प्रकार से आप 3 माला मंत्र जाप करने के बाद में 14 दिन तक निर्विघ्न करें, बीच में खंडित नहीं हो। महिलाएं हैं तो जब एमसीडी समाप्त हो जाए तब शुरू कर दें, जिससे 14 दिनों के बीच में आपको कोई बाधा नहीं आ सके। पति पत्नी दोनों मिलके कर सकते हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं, मगर भूमि सहन करने की आवश्यकता नहीं है, मगर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना आवश्यक है। और सामने महालक्ष्मी का चित्र हो और गुरु चित्र हो और घी का दीपक प्रज्वलित रहे, चाहे अखंड 14 दिन का दीपक जला लें या जितने देर तक मंत्र जाप करें तब तक जला दें। श्रेष्ठतम कार्य तो यह है कि 14 दिन तक अखंड घी का दीपक जले। यदि आपको कोई बाधा आती है तो जब तक मंत्र जाप करें तब तक करें। इसलिए 5 चीजें मैं वापस दोहरा रहा हूं। ये रात्रिकालीन साधना है। पीली साड़ी या पीली धोती और ऊपर दुपट्टा ओढ़ करके पीले आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, सामने घी का दीपक लगाएं और उसमें गुलाब का या किसी का इत्र डाल दें। कमल गट्टे की माला से मंत्र जाप करें, 3 माला मंत्र जाप करें और 14 दिन तक अक्षुण्ण करें, बीच में ब्रेकअप नहीं हो। और अगर ब्रेक हो जाए तो वापिस 14 दिन के लिए आपको करना पड़ेगा। और निश्चय ही सामने लक्ष्मी का चित्र हो जैसा भी हो और गुरु का चित्र हो, पहले गुरु पूजन हो और उसके बाद में ये साधना हो, फिर गुरु पूजन हो, चाहे 1 मिनट का भी गुरु पूजन हो। तत्रादु गुरु पूजनम कुर्यात् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव अन्याम पूज्याम सांगाय से परिवार सायुधाय सत्तिकाय पूर्णत प्राप्ता निमित्तम सातव्यम संवर्ध देहि। 14 दिन के बाद में वह कमल गट्टे की माला और यंत्र के अलावा जो सामग्री है वह नदी या तालाब में विसर्जित कर लें। केवल यंत्र आपके पूजा स्थान में रहेगा और उसके बाद में रोज 1 माला या 5 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें। तो माला तो प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए आप 5 मिनट तक उस मंत्र का जो मैंने आपको मंत्र दिया है उसकी माला रात्रिकालीन कर लें। नहीं करें तो फिर कोई दोष नहीं है, 14 दिन तक करनी अनिवार्य है। उसके बाद नहीं करें तो किसी प्रकार की बाधा नहीं है। और आपकी जो उन्नति हो उससे आप मुझे सूचित करें टेलीफोन द्वारा या पत्र द्वारा। निश्चय ही आपकी जो भौतिक समस्याएं बाधाएं हैं वे दूर होंगी, ऋण मुक्ति होगी,
व्यापार वृद्धि होगी, आर्थिक उन्नति होगी और स्थायी रूप से घर में लक्ष्मी का निवास होगा। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। गुरुभ्यो